जर्मनी के डुसेलडॉर्फ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में साइबर अटैक होने की वजह से हुई एक लेडी की मौत। यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज के कंप्यूटर सिस्टम पर हुआ साइबर अटैक जिससे 400 हॉस्पिटल अफेक्ट हुए। रिसेंटली एम्स में भी साइबर अटैक हुआ जिससे एक वीक से वहां की सर्विसेज अफेक्ट हो रही है। अब सवाल ये कि कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए उसका डेटा। क्या डेटा लीक होने की वजह से हॉस्पिटल के पेशेंट के लाइफ पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आज बात करेंगे इन्हीं सब पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले एम्स का क्या है पूरा मामला वो जान लेते हैं। तो हुआ यूं कि 23 नवंबर को एम्स का सर्वर रैंसमवेयर अटैक करके हैक कर लिया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 385 और आईटी एक्ट का सेक्शन 66 के तहत मामला दर्ज किया है। इस हैकिंग का असर हॉस्पिटल की सर्विसेज पर भी पड़ा। अभी जो भी पेशेंट ओपीडी या आईपीडी में आ रहे हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है। इतना ही नहीं, हैकिंग की वजह से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने और टेलीकंसल्टेंसी जैसे डिजिटल सर्विसेज भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन सब को अब मैनुअल हैंडल किया जा रहा है। अभी मैंने ऊपर एक वर्ड यूज किया था, रैंसमवेयर अटैक। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या होता है, कोई बात नहीं, जल्दी से आपको ये भी समझा देती हूँ। तो बेसिकली रैंसमवेयर एक मैलवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस में आते ही उसे लॉक कर देता है। डिवाइस लॉक होते ही आपके डिवाइस का पूरा डेटा और फाइल्स हैकर के पास चला जाता है। अगर एक बार रैंसमवेयर की आपके डिवाइस में एंट्री हो गई, फिर आप अपने डिवाइस की कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप अपना डिवाइस ओपन करेंगे, उसमें एक मैसेज पॉपअप होगा, पे टू अनलॉक। इसमें टाइम भी मेंशन होता है और जो अमाउंट हैकर्स ने लिखा होता है वो अमाउंट आपको चुकाना पड़ता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हैकर्स आपके डिवाइस का पूरा डेटा परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ आपको क्यों बता रही हूँ। तो अब वापस आते हैं एम्स पर। वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। ऐसी खबरें आ रही थी कि एम्स से हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए लेने की मांग की है। हालांकि पुलिस ने इसको कंफर्म नहीं किया और बाद में एम्स ने भी इसका सर्कुलर जारी किया। तो चलिए मान लेते हैं कि हैकर्स ने पैसे लेने की मांग नहीं की, लेकिन एम्स के सर्वर पर अटैक तो हुआ ही। और ऐसे न्यूज आते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये स्ट्राइक किया होगा कि क्यों एम्स या किसी भी हॉस्पिटल के लिए उसका डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता है। इसे समझने के लिए बात करते हैं एम्स की। तो एम्स इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ अगर रीसेंट डेटा को देखें तो 2021 तक डेली 13,000 लोग आते हैं और बीते एक साल में ये नंबर तो डेफिनेटली बढ़ा ही होगा। यहाँ ऑपरेशन का ये हाल है कि लोगों को 2025 तक की डेट मिल रही है। तो सोचिए रोजाना यहाँ कितने लोग आते होंगे और उन सबका डेटा अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। तो इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई पेशेंट जिसकी सर्जरी की डेट उसे एक महीने बाद की मिली हो, एक महीने बाद वो हॉस्पिटल आए और डेटाबेस में उसकी एंट्री ना हो तो क्या होगा, और अगर उसकी हालत क्रिटिकल हो तब क्या होगा। और ये सिर्फ एक पेशेंट की ही बात नहीं है, एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में रोजाना हजारों लोग आते हैं। तो सोचिए इसका उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ एक पेशेंट की ही बात नहीं है, बल्कि इससे पूरा हॉस्पिटल का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा एक मामला जर्मनी से सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में जर्मनी के डुसेलडॉर्फ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हैकर्स ने कंप्यूटर सिस्टम को डिसेबल कर दिया था, जिसके बाद हॉस्पिटल पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहे थे और इस दौरान उस लेडी की कथित तौर पर मौत हो गई। इसके बाद NBC की रिपोर्ट की माने तो 2020 में ही यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज का कंप्यूटर सिस्टम भी हैक हो गया था, जिसके अंडर US और UK के 400 हॉस्पिटल्स आते हैं और इस हैकिंग की वजह से कई दिनों तक हॉस्पिटल की सर्विसेज अफेक्ट हुई थी। तो ये तो बात रही पेशेंट के लाइफ की, लेकिन इस तरह से डेटा लीक या साइबर अटैक होता है उससे लोगों का पर्सनल डेटा भी लीक होता है। फॉर एग्जांपल एम्स में बड़े बड़े VVIP लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और अगर वहां का डेटा हैक हुआ तो उन लोगों का भी पर्सनल डेटा किसी और के पास चला जाएगा, जो काफी डेंजरस है। तो ऐसे कई मामले रिसेंट ईयर्स में सामने आए हैं। हॉस्पिटल के सिस्टम के हैक होने से सिर्फ हॉस्पिटल ही कोलैप्स नहीं करता, बल्कि वो एक पेशेंट के लाइफ को भी अफेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।